हेलो दोस्तों, मैं मीना हरे कृष्णा योग मंदिर से। दोस्तों, आज मैं आपको हल्दी के बारे में जानकारी देने आई हूँ। हल्दी यूँ तो नेचुरल स्टेरॉइड है, एंटीबायोटिक भी है, पर हल्दी का अति सेवन करने से यानी ज़्यादा एज ए सप्लीमेंट लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन आप आजकल पढ़ रहे हैं कि हल्दी का पानी पीने से ऐसा होता है, हल्दी का पानी पीने से वैसा होता है, वो सब जनरल हो सकता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के, पर्टिकुलर प्रकृति के पर्सन के लिए तो बिल्कुल नहीं। आपको अपनी प्रकृति जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है। अगर आप इन तीन प्रकृतियों में से अपनी प्रकृति को, तीन दोषों में से अपनी प्रकृति को नहीं जान पाओगे तो आप कभी भी कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। हल्दी बहुत ही गुणकारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किन कंडीशंस में नहीं लेनी है अब बात करेंगे उन कंडीशंस की। सबसे पहले, जो लोग सर्टेन मेडिकेशन पे हैं यानी कुछ दवाइयाँ खाते हैं, उनको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो लोग गाल स्टोन के शिकार हैं, जिनको गाल स्टोन है, उनको भी हल्दी नहीं लेनी है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फील होता है, उन लोगों को भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसके कारण किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं या लैक्टेशन पे हैं, लैक्टेशन यानी जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं अपना, उनको भी हल्दी नहीं लेनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हल्दी नहीं लेनी है। दोस्तों, जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं लेनी है। जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, उनको भी हल्दी नहीं लेनी है। जिनका पाचन बहुत वीक है, डाइजेशन बहुत ही वीक है, उनको भी हल्दी नहीं लेनी है। जो वात और पित्त दोष से ग्रस्त हैं, वो भी हल्दी नहीं लेंगे। जो कफ दोष से ग्रस्त हैं, वो लोग हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हल्दी बहुत ही अच्छी है, लेकिन थेरापिटिक वे में उसका यूज़ करना चाहिए, मॉडरेशन में, ना कि ज़्यादा। जैसे पानी पीना, सब्जियों में तो हम यूज़ करते ही हैं, ज़्यादा इनटेक उसका नुकसान वाला है। दोस्तों, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, आप लाइक भी करिए और शेयर करना तो ना भूलें। धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।